good morning students welcome to the online bpps class student today we will going to start computer okay your computer period so today i will going to teach you chapter 9 name is more about powerpoint 2010 okay so students today uh, after reading this chapter, we will learn some topics. These are various slide layout, changing slide layout of an existing slide, moving text and other object, applying theme to slides, different views in MS PowerPoint, editing of text in a slide, and rearranging slides and viewing the slideshow. okay. एंड देट यू ऑल नो स्टूडेंट्स की आप लोगों ने पिछली अपने चैप्टर में पढ़ा है कुछ पावर पॉइंट के बारे में सो so, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस सम मोर अबाउट अबाउट पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन सो लेट इज स्टार्ट अबर टू डेज टॉपिक सो स्टूडेंट्स दिस इज योर चैप्टर नाइन मोर अबाउट पावर पॉइंट टू थाउजेंड टेन okay i hope you all are completed your previous chapter chapter 8 with question answer exercises okay so now let us start our today's topic that is various slide layout okay various slide layout in this chapter you will learn some topics these are changing slide layout of an existing slide moving text and other objects applying theme to slides different views in MS PowerPoint editing of text in a slide Rearranging slides and viewing the slideshow. Okay, so students <clears throat> in the previous chapter you will learn to create presentation with MS PowerPoint 2010 so now in this chapter you will learn to work with slides there अपियरेंस एंड हाउ एंड टू वर्क विथ टेक्सट एंड ऑब्जेक्ट ऑन द ऑन अ स्लाइड ओके सो यू विल लर्न बेसिकली लर्न टू मेक यूर प्रजेंटेशन इफेक्टिव एंड क्रिएटिव ओके गॉट इट सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज वेरियस स्लाइड ले आउट सो टाइटल स्लाइड वेरियस स्लाइड लेआउट तो स्टूडेंट्स ये जो आपका स्लाइड विंडो पूरी बनी है इसमें आपकी डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग अपने वर्क के अकॉर्डिंग आपको जो भी स्लाइड सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं ओके सो दिस इज़ योर ले आउट सो हाउ वी कैन सेलेक्ट दिस स्लाइड वेरियस स्लाइड ले आउट योर फर्स्ट स्लाइड इज टाइटल स्लाइड सो टाइटल स्लाइड इज आइडियल

तो आप टाइटल स्लाइड को चूज़ करेंगे ओके आपको उस टाइटल नहीं डालना है तो आप नहीं डालेंगे आप केवल टाइटल स्लाइड टाइटल अपना लिखेंगे टाइटल में जैसे मैंने बताया आप कोई स्लाइड बनाते हैं तो आप उसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले अगर आपको अपने स्कूल पे कुछ लिखना है तो आप क्या लिखेंगे माय स्कूल ओके और उसके नीचे आप अपने स्कूल से रिलेटेड क्वालिटीज़ लिखेंगे गॉट इट और यहाँ पे आपका क्लिप आर्ट भी दिया हुआ है तो क्लिप आर्ट के थ्रू आप अपने स्कूल की पिक सेंड लगा सकते हैं इसमें ओके सो टाइटल एंड कॉन्टेंट स्लाइड इज अलाउ यू टू पुट सम इंफॉर्मेशन बिलो द टाइटल ओके थर्ड इज कंपेरिजन स्लाइड कंपेरिजन स्लाइड इज कंपेरिजन स्लाइड अलाउ यू टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली ओके स्लाइड जो है आपकी दो ऑब्जेक्ट में कंपेयर करती है ओके सेक्शन है सो कंपेरिजन स्लाइड ये है दो आपको इन दोनों में कंपेयर करना है सो दिस इज कंपेयर स्लाइड आपको अगर किन्हीं दो पिक्चर्स में कंपेरिजन दिखाना है किन्हीं दो चीज़ों में कंपेयर करना है जैसे आप लोग बिटवीन करते हैं है ना तो उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं वो स्लाइड इस स्लाइड को बनाने के लिए हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है कौन सा कंपेरिजन स्लाइड कंपेरिजन स्लाइड इज अलाउ यू टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली ओके योर सेकेंड स्लाइड योर फोर्थ स्लाइड इज पिक्चर एंड कैप्शन स्लाइड पिक्चर एंड कैप्शन स्लाइट दिस पिक्चर विथ कैप्शन आप जिस तरह से इसका नाम है आप समझ सकते हैं पिक्चर फिर उसके नीचे उसका कैप्शन लिखना है मिस जैसे आपने किसी फ्लावर की पिक इधर सेंड करी और उससे रिलेटेड आपको कैप्शन लिखना है आपने रोज़ की पिक डाली इसमें तो आपको नीचे क्या लिखना है दिस इज रोज है रोज इज़ इन रेड इन कलर ओके तो उससे नीचे उससे रिलेटेड उसकी क्वालिटी हम लिख सकते हैं सो पिक्चर एंड कैप्शन स्लाइड कैन बी यूज टू सिंपली इंसर्ट अ पिक्चर एंड टाइप अ कैप्शन बिलो इट वॉट इट सो स्टूडेंट्स आपकी स्लाइड्स हैं तो इनको आपको समझना है किस तरह से ये करना है बिकॉज इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न टू क्रिएट प्रेजेंटेशन विद एम एस पावर पॉइंट ओके So, in this chapter, you will learn to work with slides, their appearance, and to work with text and object on a slide. So, uh, read and understand this video carefully. Okay, if you have any doubt, so ask me in your class group. So, uh, watch carefully this video. Okay.